डायट जोनपुर डीलर सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षकों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग जो है इस दिन पढ़े थे सोलर सिस्टम पार्ट वन के बारे में। सोलर यानी सूर्य, उसके परिक्रमण और उसके बाद हम लोग पढ़े थे उसकी संरचना। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। आइए पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है कि पृथ्वी का आकार क्या है। पृथ्वी का आकार जो है इंग्लिश में ज्वाइट कहा जाता है, इंग्लिश में ज्वाइट कहा जाता है। ज्वाइट यानी अंडाकार, यानी इसका आकार क्या है, अंडाकार है। पृथ्वी का आकार क्या है, अंडाकार है। यानी ये क्या है, पृथ्वी का आकार इस टाइप का है। यानी यहाँ पे क्या होता है, यानी इसके ध्रुवों पर छिपता होता है और बाहर की तरफ क्या होता है, यानी भूमध्य रेखीय स्थिति में क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, यानी उभार होता है। उसके बाद हम आते हैं इसके सूर्य और पृथ्वी की दूरी के बारे में। सूर्य और पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किमी है। उसके बाद इसकी दो स्थिति होती है। दो स्थिति कौन कौन सी होती है, यानी सूर्य जो है पृथ्वी क्या करती है, इसका दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गज करता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गज करने के कारण इसकी दो स्थिति होती है। एक स्थिति क्या होती है कि 14.98 करोड़ एक औसत है। और इसके बाद एक स्थिति क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पे है, इसकी स्थिति क्या होती है, ये सूर्य है, सूर्य की तो ये पृथ्वी मान लीजिए, इसकी स्थिति क्या होती है, यहाँ से ये इसकी औसत दूरी 14.8, यहाँ से इसकी दूरी जो है 15.2 करोड़ किमी होता है, जिसको हम इंग्लिश में एक रियल कहते हैं, यानी अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं एक रियल। उसके बाद दूसरी स्थिति होती है इसकी, अपसौर को होता है अपसौर 4 जनवरी की स्थिति क्या होती है, अपसौर की होती है। और इसकी जो है उपसौर, इसकी दूरी क्या होती है, 14.7 करोड़ किमी। इसकी स्थिति क्या होती है, 14.13 हीलियन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। 14.7 करोड़ किमी उपसौर की स्थिति होती है, यानी इसके सबसे कह सकते हैं सूर्य से पृथ्वी की सबसे नजदीक दूरी होती है उपसौर। और एक कब होता है, 3 जुलाई को क्या होता है, उपसौर की स्थिति होती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो इसकी स्थितियों के बारे में है। अब इसके हम रोटेशन पे आते हैं और परिक्रमण काल पे आते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, दिन की अवधि कहते हैं। अगर हम रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशन यानी परिभ्रमण, अपने अक्ष पे घूमना, और ये क्या होती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में यानी सूर्य पृथ्वी क्या करती है, अपना परिभ्रमण कर लेती है। यही क्या होती है, दिन की अवधि होती है। यानी 24 घंटे हम कहते हैं औसत, मतलब लगभग कहते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, एक लट्टू की भात अपने अक्ष पे जो है एक चक्कर लगा देती है। यही दिन की अवधि होती है। उसके बाद आते हैं इसके परिक्रमण, जिसको हम क्या करते हैं, रोटेशन कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं, इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं, जिसको उस दिन भी मैंने बताया था। रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण काल, यानी पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन 365
365 दिन 5 घंटे 9.5 सेकेंड, यानी इतनी ये क्या है वार्षिक इसकी अवधि है, यानी इस वार्षिक अवधि क्या होती है 365 दिन 5 घंटे 9.5 सेकेंड। उसके बाद क्या स्थिति होती है, यानी तो ग्रह इसका परिभ्रमण, उसके बाद हम लोग आते हैं और इसकी जो है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने की अवधि, यानी समय टाइम क्या होता है, 8 मिनट 4 सेकेंड 4 सेकेंड 8 मिनट 4 सेकेंड में सूर्य से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, पृथ्वी जो है एक प्रकार का हम लोग कहते हैं कि अनोखा ग्रह है, जिसपे अनोखा ग्रह यानी इसपे जीवन है, जीवन है और सभी ग्रह हैं, जैसे हमारे सौरमंडल परिवार में 8 ग्रह हैं, सौरमंडल परिवार में 8 ग्रह हैं, इन ग्रहों में पृथ्वी पर ही जीवन संभव है और इसके लिए 4 दशाएं होती हैं। और पहली दशा क्या होती है, यहाँ पर ताप जो है अनुकूल है, यहाँ का ताप क्या है रासायनिक क्रियाओं के लिए अनुकूल है ताप। दूसरी दशा क्या होती है जल, यहाँ पे दूसरी दशा क्या है जल उपलब्ध है, जल उपलब्ध है, जल की वजह से क्या होता है पोषक तत्वों का परिवहन होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे चाहे कह सकते हैं शारीरिक चाहे कह सकते हैं भौतिक परिवहन होता है। तीसरी बातें क्या होती है जटिल अणुओं का निर्माण, यानी जटिल अणु जैसे हमारे पे 4 ऐसे अणु हैं, जैसे कह सकते हैं जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इसके अलावा 2 यौगिक भी हैं जो जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ये क्या करते हैं कि हमें जो है और चौथी दशा क्या है ओजोन क्या करता है पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है रक्षा करता है, यानी जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उसको क्या करता है ओजोन क्या करता है सोख लेता है। उसके बाद उन लोग आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एडवर्ड स्विस ने 3 इसके भाग बताए, इसके 3 भाग हैं, जैसे ये देखिए एक और एक, ये 3 भाग हैं, यानी सबसे ऊपर की परत को हम क्या करते हैं सियाल कहते हैं, यानी इसका बना है सिलिका और एल्यूमिनियम का बना है। उसके दूसरी परत को क्या कहते हैं सीमा कहते हैं, यानी ये क्या हो सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। तीसरी परत को यानी जो क्रोड होता है उसको हम नीफे कहते हैं, नीफे निकिल और फेरस का बना होता है, यानी निकिल होता है और फेरस होता है, जिसके कारण जो है हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है इसी निकिल और फेरस के कारण। उसके बाद आधुनिक मतों के अनुसार जो है, यानी हम कह सकते हैं आधुनिक मत जो है भूकंपी साक्ष्यों के आधार पर दिया गया है, और इसको जो है इसके भी 3 भाग हैं, इसके भी 3 भाग हैं।
तीन भाग कौन से हैं? आइए देखते हैं तीन भाग देखिए सबसे ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट सबसे ऊपर के भाग को क्रस्ट कहते हैं और दूसरी क्रस्ट मेंटल दूसरे भाग को हम कहते हैं मेंटल, तीसरे भाग को कोर। यानी इसके तीन भाग हैं क्रस्ट मेंटल कोर। क्रस्ट यानी इसको ऊपरी प्रकृति भी कहते हैं, मेंटल को हिंदी में प्रवाह कहते हैं और कोर। क्रस्ट एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। क्रस्ट क्या है? सबसे ऊपरी परत है। ये महासागरों और महाद्वीपों की इसकी गहराई में भिन्नता पाई जाती है। महाद्वीपों पे क्या होता है? इस महाद्वीपों पे 35 से लेकर 60 किलोमीटर होता है। और महासागरों पे इसकी गहराई 5 से 10 किलोमीटर होता है। 5 से 10 किलोमीटर होता है। उसके बाद आते हैं मेंटल की बात और इसका घनत्व बात करते हैं। इसके घनत्व का इसका घनत्व जो है 2.9 है। इसका घनत्व 2.9। उसके बाद मेंटल की बात करते हैं। मेंटल जो है हल्का कर सकते हैं द्रव अवस्था में, बहुत हल्का, जो कि किताब में भी आपके लिखा हुआ हल्का द्रव है, तो द्रव अवस्था है हल्का पीला हुआ अवस्था में। उसका मेंटल का घनत्व कितना होता है और इसके हेतु होगा। और हम क्रस्ट से जब मेंटल की तरफ बढ़ते हैं, क्रस्ट से मेंटल की दूरी 2900 किमी होता है, 900 किलोमीटर होता है। अब कोर यहाँ और इसका घनत्व जो है 5.5 होता है, 5.5 इसका घनत्व होता है। अब आते हैं कोर की तरह। कोर क्या होता है? अभी आप पहले भी पढ़े कि निकिल और फेरस का बना है और इसके इसमें जो है इसका घनत्व जो है 11, इसका घनत्व 11 है और इसमें लोहे और निकिल का बना है। उसके बाद जो है पूरी पृथ्वी का अगर हम औसत घनत्व देखते हैं तो कितना होता है? 5.5 है। पूरी पृथ्वी का औसत 5.5 होता है। अंत में मेरा कुछ प्रश्न है। चंद्रमा की कलाएं हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। मेरा एक प्रश्न है, वो प्रश्न है कि अगर पृथ्वी के परिक्रमण को रोक दिया जाए तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।